फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनीस किचन। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी कटलेट्स, जो बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और ये खाने में बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और क्रिस्पी है। तो आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखिए कटलेट्स कैसे बनाते हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 से 1.5 चम्मच ये तेल। और थोड़ा जब तेल गर्म हो जाए तो हम डालेंगे इसमें ये गाजर। गाजर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और ये डाल रही हूँ मैं एक प्याज बारीक कटी हुई। चॉपर में बहुत जल्दी चॉप हो जाता है, इसलिए मैंने चॉपर में किया है चॉप। बहुत अच्छा बारीक, बिल्कुल इतना अच्छा हाथ से नहीं काट पाते हम लोग। अब मैं डाल रही हूँ ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसको थोड़ा सा हम ढककर पका देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए सारी सब्जियां। देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप की सूजी। सब्जियां आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं इसमें करीब 1.5 कप पानी डालूंगी। तो मैंने 1/2 कप सूजी ली है तो 1.5 कप पानी डाला है इसमें। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक डाला है मैंने करीब। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए सारा पानी अच्छे से सोप हो गया है, ये हलवा जैसा बनकर हमारा रेडी है। अब मैंने डाला है धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ, इसको भी हमने मिक्स कर लिया है। और ये मिक्सचर हमारा कटलेट बनाने के लिए रेडी है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो हम थोड़ा फैला देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसको, हल्का सा गुनगुना हम बनाएंगे। अब मैं एक बाउल में करीब 2 चम्मच मैदा ले रही हूँ ये। और इसमें हम डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून के करीब ये काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसलिए ऐसे डालें ताकि इसमें ये जो लम्स रहते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं। और इसका देखिए हमें ऐसा रनी बैटर बनाना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना। और हमारा बैटर ठंडा हो गया था, अब इसके हम कटलेट बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैं देखिए ये हार्ट शेप में बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप बना सकते हैं। देखने बहुत सुंदर लगती है ये हार्ट शेप, तो मैंने आज हार्ट शेप में बनाए हैं कटलेट। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ बना के कैसे शेप देनी है। तो बस यहाँ से मैंने फिंगर से प्रेस किया, बड़े यहाँ से शेप दे दिया, बन गया है ना। कितना सिंपल, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह से देखिए हमने सारे कटलेट्स अपने बना लिए हैं। और ये बैटर भी देखिए बनकर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने देखी ऐसी रखी, बिल्कुल पतली। और मैंने ब्रेड क्रम लिया है इसको कोट करने के लिए। तो अब इस मैदा के घोल मैंने डिप किया और ब्रेड क्रम में भी हम इसको ऐसे लपेट देंगे। और ब्रेड क्रम बहुत आसानी से बन जाता है, आप 2-3 ब्रेड को मिक्सी में डालकर पीस लें। कोई भी ब्रेड ले सकते हैं आप, ब्राउन वाइट जो आपके पास हो। और मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स मिला दिए थे, बस जैसे मैंने हाथ से प्रेस करके दिखाया है ना वैसे ही इसको थोड़ा प्रेस कर दें कटलेट को, ताकि जो ब्रेड क्रम है वो अच्छे से चिपक जाए। और इसको हम थोड़ा शैलो फ्राई कर रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है कटलेट को फ्राई करने के लिए। एक बार में आपके ये जितने कटलेट आ जाए कढ़ाई में आप उतने डालें, ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना करें। बस जब थोड़ा एक तरफ से हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम इसको फोक से पलट देंगे।
इसको हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से ये पलट पलट के हम सेक लेंगे। है ना कितनी सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और जब आप किसी को ये बनाकर खिलाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन इसको करना है। और अब हमें निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।